प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम कक्षा 11 की गणित की एनसीईआरटी की हिंदी संस्करण की पाठ्यपुस्तक से ली गई है। ये प्रॉब्लम जो है पेज नंबर 79 पर है और ये उदाहरण नंबर 14 है जो प्रश्नावली 3.3 से संबंधित है। आज की हमारी प्रॉब्लम है दिखलाइए tan 3x into tan 2x into tan x is equal to tan 3x minus tan 2x minus tan x। LHS में एक व्यंजक दिया हुआ है और RHS में एक व्यंजक दिया हुआ है। हमें नियमों सिद्धांतों सरलसमीकरणों सूत्रों की सहायता से ये दर्शाना है कि LHS का व्यंजक और RHS का व्यंजक परस्पर बराबर है। इस प्रश्न को हम ना तो LHS से हल करेंगे ना RHS से हल करेंगे, बल्कि इसको अन्य विधि से हल करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम दिखेंगे, हम जानते हैं 3x इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स। जैसा कि आप जानते हैं 2x और x का योग जो है प्लस जो है पॉजिटिव, जब जोड़ेंगे दोनों को वो 3x के बराबर होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, हम जानते हैं 3x बराबर 2x प्लस x, सही है। अब दोनों पक्षों का टेन लेने पर LHS और RHS दोनों पक्षों के जब हम टेन लेंगे तो हमारे लिए फल प्राप्त होगा LHS में tan 3x और RHS में फल प्राप्त होगा tan 2x प्लस x, क्लियर। अब आप जानते हैं, आपने शुरू पढ़ा था, एक सर्वसम्मिका पढ़ी है tan a प्लस b बराबर होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। यहां पर जो है a का काम 2x कर रहा है और b का काम जो है वह x कर रहा है। तो जब हम LHS में ये सर्वसम्मिका लगाएंगे तो हमारे लिए RHS में सर्वसम्मिका लगाएंगे तो RHS में हमें फल प्राप्त होगा tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x और LHS में tan 3x वैसा का वैसा रहेगा और ये बराबर का चिन्ह दिया जाएगा। तो आपको फल प्राप्त होता है tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। अब LHS में जो tan 3x है इसके हर में हम एक मान लेंगे और इसकी कैची की गुणा करेंगे। कैची की गुणा करने के बाद एक हमें ये वाला फल प्राप्त होगा गुणनफल का और एक गुणनफल ही वाला प्राप्त होगा। जब कैची की गुणा करते हैं तो थोड़ा ये ध्यान रखते हैं कि हम ये वाला फल पहले LHS में लिखे या ये वाला फल LHS में लिखे, इससे आगे कुछ सुविधा हो जाती है। यदि आपका मन आप जैसा चाहे वैसे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाला फल LHS में गुणनफल LHS में लिखना सुविधाजनक है, लाभकारी है, इसलिए इसको हम LHS में लिखेंगे और इन दोनों का गुणनफल जो है वह RHS में लिखेंगे। तो LHS में प्राप्त होगा हमें tan 2x इज प्लस tan x बराबर का चिन्ह दिया जाएगा और RHS में प्राप्त होगा tan 3x इंटू इंटू वाले ब्रैकेट 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। यहां पर जो है अगर मान लीजिए लिखा हुआ है a इंटू b प्लस c इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इस a की हमें इससे भी गुणा करनी पड़ेगी और a की हमें इससे भी गुणा करनी पड़ेगी। इसी नियम के आधार पर tan 3x की हम एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा tan 3x माइनस ये आ जाएगा और इसकी गुणा करेंगे तो फल प्राप्त होगा tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x, क्लियर। तो इस प्रकार से हमारे लिए फल प्राप्त होता है tan 2x प्लस tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। इस वाले व्यंजक को, इस वाले पद को हम RHS से LHS में ले जाएंगे क्योंकि प्रश्न के अंदर जो हमें दिया हुआ है वही ये वाली चीज जो है वह LHS में दी गई है। RHS में चीज ऋणात्मक है, जब इसको हम RHS से LHS में ले जाएंगे तो पॉजिटिव भी हो जाएगी और LHS में जो आपकी ये दो राशियां हैं इनको हम LHS से RHS में ले जाएंगे, LHS में दोनों राशियां पॉजिटिव हैं, LHS से जब RHS में जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगी। तो हमें इसके पक्षांतर करने के बाद फल प्राप्त होता है tan 3x into tan 2x into tan x is equal to tan 3x minus tan 2x minus tan x। हम देखते हैं ये रिजल्ट हमारे लिए वही प्राप्त हुआ है जो हमें लाना है। LHS में हमें लाना था tan 3x into tan 2x into tan x, LHS में हमें ये प्राप्त हो गया। RHS में लाना था tan 3x minus tan 2x minus tan x, RHS में हमें ये फल प्राप्त हो गया। अर्थात हम उसी रिजल्ट को प्राप्त कर चुके हैं जो हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है।
इसलिए अब प्रश्न को आगे करना समाप्त कर देंगे। यहाँ पर हमारा प्रश्न पूरा हो जाता है, हम लिख देंगे स्टूडेंट। इस प्रकार से प्रश्न पूरा हो जाता है, मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।